इसरो ने एक और इतिहास रच दिया है। आदित्य L1 मिशन सूर्य के और करीब पहुंच चुका है। उसने खुद को अंतिम कक्षा में स्थापित कर लिया है। आदित्य सैटेलाइट L1 पॉइंट के हेलो ऑर्बिट में एंट्री कर चुका है। अब सूरज का अध्ययन कर कई अहम जानकारी पूरी दुनिया को दी जाएगी। इससे पहले चंद्रयान 3 को साउथ पोल पर लैंड कर भी भारत ने इतिहास रचने का काम किया था। इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो सौर मंडल में सूर्य के तापमान, सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों और सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों के साथ साथ पृथ्वी के समीप अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है। आइए जानते हैं इस मिशन संबंधी जानकारी के बारे में। दरअसल आपको बता दें कि जिस लैग्रेंज पॉइंट पर आदित्य L1 को स्थापित किया गया है वहां पर गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय रहता है। अब इसी जगह से आदित्य लगातार सूर्य का अध्ययन करेगा, अंतरिक्ष के मौसम की भी अहम जानकारी साझा करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर दूसरी तमाम बड़ी हस्तियों ने भारत की इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत ने एक और इतिहास लिख दिया है। भारत का पहला सूर्य मिशन अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है। ये हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत का प्रमाण है। इसी वजह से इतना जटिल मिशन भी सफल हो गया है। मानवता की के लिए आगे भी ऐसे और मिशन जारी रखे जाएंगे। अब आइए जानते हैं इस सूर्य मिशन का उद्देश्य क्या है। वैसे इस मिशन के उद्देश्य की बात करें तो सौर मंडल में सूर्य के तापमान, सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों और सूर्य के धधकने संबंधी गतिविधियों के साथ साथ पृथ्वी के समीप अंतरिक्ष में मौसम संबंधी समस्याओं को समझना है। आदित्य पर 7 वैज्ञानिक पेलोड तैनात किए गए हैं। इनमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ यानी VLC, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलर लो एनर्जी एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी LN ऑर्बिटिंग एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर शामिल हैं, जो सीधे तौर पर सूर्य को ट्रैक करें। इसके अलावा 3 इन-सीटू जो वही मौके पर मापने वाले उपकरण हैं, जिनमें आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य PAPA और एडवांस 3 डायमेंशनल हाई रिजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर शामिल हैं। इसी के साथ इसरो चीफ S. सोमनाथ ने कहा कि आदित्य L1 मिशन पूरी दुनिया के लिए है, अकेले भारत के लिए नहीं। उन्होंने कहा, आज हमने अपने मेजरमेंट के आधार पर सटीक प्लेसमेंट हासिल किया, इसलिए अभी हमारी गणना में स्पेसक्राफ्ट सही जगह पर है। अब ये भी जान लीजिए कि दुनिया के लिए सूर्य की स्टडी जरूरी क्यों है। दरअसल जिस सोलर सिस्टम में हमारी पृथ्वी है उसका केंद्र सूर्य ही है। सभी 8 ग्रह सूर्य के ही चक्कर लगाते हैं। सूर्य की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन है। सूर्य से लगातार ऊर्जा बहती है, इन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं। सूर्य का अध्ययन करके ये समझा जा सकता है कि सूर्य में होने वाले बदलाव अंतरिक्ष को और पृथ्वी पर जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दे, सूर्य 2 तरह से एनर्जी रिलीज करता है, और प्रकाश का सामान्य प्रवाह जो पृथ्वी को रोशन करता है और जीवन को संभव बनाता है। सूर्य से चुंबकीय कणों का विस्फोट होता है जिससे इलेक्ट्रॉनिक चीजें खराब हो सकती हैं। इसे सोलर फ्लेयर कहा जाता है। जब ये फ्लेयर पृथ्वी तक पहुंचता है तो पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड हमें इससे बचाती है। अगर ये अंतरिक्ष में मौजूद सैटेलाइट से टकरा जाए तो ये खराब हो जाएंगी और पृथ्वी पर कम्युनिकेशन सिस्टम से लेकर अन्य चीजें ठप पड़ जाएंगी। अब चलते चलते यह भी जान लीजिए कि सूर्य तक कौन कौन पहुंच चुका। आपको बता दें कि भारत ने पहली बार सूर्य मिशन लॉन्च किया है। भारत से पहले 22 मिशन सूर्य पर भेजे जा चुके हैं। सूर्य का अध्ययन करने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी शामिल है। बता दें कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए सबसे अधिक सूर्य मिशन नासा ने भेजे हैं। नासा ने अकेले 14 सूर्य मिशन भेजे हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी नासा के साथ मिलकर 1994 में सूर्य मिशन भेजा था। नासा ने 2001 में जेनेसिस मिशन लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए सौर हवाओं का सैंपल लेना था। वैसे आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।